सो ग्रेट इवनिंग एवरी वन काइंडली शेयर योर क्वेश्चन जो भी आपके सवाल है शेयर कीजिए सो देर इज वन क्वेश्चन और हियर प्राइवेट क्वेश्चन लेट मी रीड दिगार्डिंग द फिंगरप्रिंट साइंस प्लीज शेयर योर व्यूज अबाउट फिंगरप्रिंट्स एज इंडिविजुअल वी इवन नो अबाउट इट बट मस्ट नॉट है ओके सो बेसिकली यहां पे uh, एक सवाल आया है दैट इज रिगार्डिंग फिंगरप्रिंट साइंस एंड रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड पर्पज इन लाइफ देखिए जिंदगी का पर्पज ढूंढना इट्स नॉट दैट इजी ये इतना आसान नहीं है लास्ट टाइम मैंने एक सेशन लिया था के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा था आप बहुत अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिंदगी का सवाल है यार ये जिंदगी में फिर से नहीं मिलने वाली वी शुड ऑलवेज फोकस अपॉन कन्वर्टिंग अवर वोकेशन इंटू वैकेशन मतलब ऐसा कुछ हमें काम करना चाहिए कि जहां पे हमें वेकेशन लेने की जरूरत ही ना पड़े नौबत ही ना आए सो ऐसा अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत कुछ हमारे जिंदगी में हो सकता है सो इट्स अ क्वाइट बिग टॉपिक लेकिन स्वीट एंड शॉर्ट में आपको मैं यही कहूंगा एज पर माई एक्सपीरियंस जो आपके दिल की आवाज है जो आपको अंदर से लगता है कि दिस इज वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू वो कितना भी सीली हो सकता है आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है ये जो भी मैं सोच रहा हूं सोच रही हूं ये पॉसिबल ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं मेरा सपना क्या है इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है डू नॉट थिंक अबाउट इट मैं आपको कहूंगा एक बार ट्राई करके देखिए आई एम नॉट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट वेरी बिग अमाउंट समथिंग लेकिन आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्राई करके देख सकते हैं बिकॉज बिकॉज आपके दिल की आवाज कभी रॉन्ग नहीं हो सकती गिव इट ट्राई जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे लगता था एक बार मेरा जो बॉस था उसने मुझे पूछा कि समीर तुझे जिंदगी में क्या करना है सो इवन आई वॉज कंफ्यूज कि मुझे भी पता नहीं था कि क्या करना है तो मैंने कहा कि सर मुझे ट्रेनर बनना है

स्पेसिफिक पर्पज के लिए भेजा है। सो आई विल हेल्प यू टू डिफाइन योर पर्पज सो कनेक्ट विथ मी इंडिविजुअली आई विल गाइड यू बिकॉज इट इज नॉट अ जनरल टॉपिक मैं यहाँ पे नहीं दे सकता आई नीड टू गिव द स्पेसिफिक आंसर एज पर योर फिंगरप्रिंट एज पर योर न्यूमरोलॉजी एंड फॉर एस्ट्रोलॉजी सी एम नॉट येट दैट ग्रेट इन द टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी अभी भी मैं सीख रहा हूँ सो रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी आई विल गिव यू समय नो सम एस्ट्रोलॉजिस्ट जो बहुत जबरदस्त आपको आपके गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल के बारे में बता सकते हैं सो आई विल गाइड यू इंडिविजुअली ऑन दैट सो कनेक्ट विथ मी इंडिविजुअली फॉर दिस क्वेश्चन इज हाउ टू फोकस सो फोकस कोई भी चीज में आपका कब आता है पता है आपको वेन यू हैव ट्रमेंडस इंटरेस्ट जो चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट है तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली आप आप फोकस करने वाले हो सो मेक श्योर इन यूर लाइफ यूज वर्क इन एरिया ऑफ ये ऑटोमैटिकायद आप ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे आपका इतना फोकस नहीं हो रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन मतलब जो मेडिटेशन का मतलब है हमारा जो विजुअलाइजेशन है ये एक तरीके का मेडिटेशन ही है इट इज नोन एजिव मेडिटेशन

सुपर ब्रेन मतलब क्या करना है आपको उठक बैठक करनी है आपके इंडेक्स फिंगर और थम ये दोनों में आपको आपके को पकड़ना है और उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो ब्रीद इन करना है ऊपर आएंगे तो ब्रीद आउट करना है नीचे जाएंगे तो ब्रीद इन करना है ऊपर आएंगे तो ब्रीद आउट करना है ये ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी में बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगी राइट ब्रेन को बैलेंस करने का काम ये एक्सरसाइज करती है पर्सनली आई डू इट एवरी डे इट है ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड वगैरह जो भी सिस्टम आपको पता है मैंने आपको सिखाई है वो भी सिस्टम फॉलो करते रहिए उससे आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे

कि आपका ये जिंदगी में मकसद क्या है देन यूल बिकम अनस्टॉपेबल बिकॉज ऐसी एनर्जी अंदर से क्रिएट होती है कि आपको भी यकीन नहीं आता सी यस्टरडे आई स्लेप फॉर ओनली फोर आवर्स सिर्फ चार घंटे के लिए मैं सोया हूं फोर टू फोर एंड हाफ आवर्स बट स्टिल होल डे आई डिलीवर मेनी सेमिनार्स आई एम टॉकिंग आई डिट काउंसिलिंग्स नाउ ऑल्सो एम डिलीवरिंग दिस वेबिनार एंड आई एम एंजॉइंग इट देर इज नो स्ट्रेस प्रेशर ऑन माई साइड

कोई भी सब्जेक्ट में मैंने आपको बार बार आप कहेंगे कि यार समीर हर बार यही चीज कहता है आपको जो भी चीज को मास्टर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड मास्टर इन योर माइंड अगर आपके माइंड में वो सब्जेक्ट को या फिर वो फील्ड को आप मास्टर नहीं करते तो रियल वर्ल्ड में कैसे सेल्फ एज एन इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर आई ऑलवेज बिलीव दैट रिगार्डिंग तो I get, I get मुझे यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी है जब तक आप यहाँ पे नहीं जीतोगे रियल वर्ल्ड में कितनी भी मेहनत कर लो नहीं होने वाला अगर यहाँ पे वायरस है और बाहरी दुनिया में आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा

तो आपको सब स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी सो यू नीड टू डू सम रिसर्च फॉर दैट वो फील्ड का कोई 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 भी भी सब्जेक्ट हो हो सकता है कोई भी हो सकती है फील्ड सकती वो फील्ड में दुनिया में टॉप में कौन है वो क्यों है टॉप में क्यों है उसने ऐसे क्या किया है तो देखो वो कभी ना कभी तो जीरो था मां के पेट से तो हीरो बन के नहीं आया है कभी तो कभी जीरो था कभी तो कभी इसने शुरुआत की होगी तो उसने ऐसे क्या किया तो वो एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक बंदे का नहीं आप दस पंद्रह बंदों का जरा रिसर्च करके देखिए आपको आंसर मिल जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड दैट बिलीफ ऑल्सो बिकॉज इवन आपको आंसर मिल भी गया इवन इफ यू गेट द आंसर कि वो बंदा वो फील्ड में टॉप पे क्यों गया है अगेन यू नीड अमेजिंग अमाउंट ऑफ बिलीफ विद इन यूर सेल दैट यू कैन डू इट यू कैन रिपीट द सेम स्टफ एंडलेस यू डू नॉट हैव द बिलीफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो थ्रू इसलिए मैंने फर्स्ट कहा कि आप विजुअलाइजेशनफॉर्मेशन करके सबसे पहले बिलीव बनाइए बिलीव बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसको गोथ्रू करेंगे उनके स्ट्रैटेजी को और आपको रिजल्ट मिल जाएगा आई होप यू आर So there इज वन क्वेश्चन हाउ टू कंट्रोल emotions एज पीपल अराउंड अस के तरह दे प्ले है हमारे जिंदगी के मकसद के ऊपर जब हमारे जिंदगी का मकसद एकदम क्लियर होता है नो वन कैन प्ले विथ अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स नो वन कैन प्ले अगर आपके जिंदगी का गोल एकदम क्लियर है तो आप कोई भी उलझन में नहीं फंसेंगे आपको हर बार वो क्रिएटिव आइडियाज आते रहेंगे जहां से आप आपके गोल के रिगार्डिंग आगे बढ़ते रहेंगे सो so पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग आपके के साथ ना खेले और स्ट्रैटेजिक वे में आपको अगर ग्रोथ करनी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ऐप के ऊपर चाणक्य नीति के मैंने छह वीडियोस बनाए हैं देखो चाणक्य नीति के जो वीडियोस है वो बहुत पावरफुल वीडियोस है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियोस देखिए आप किताब भी कोई पढ़ सकते लेकिन किताब पढ़ने जाएंगे वो समझेंगे ये करेंगे उससे अच्छा आप वीडियो देख लो आपको बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिल जाएगी बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कैसे जीना चाहिए जो दुष्ट लोग होते हैं जो कनिंग लोग होते हैं उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है वो बहुत ब्यूटीफुल वे में चाणक्य नीति में कहा है आई हैव इट है डेप्थ बहुत सारे एक्साम्पल के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दो आंसर ओवर दैट जो भी uh, घटित होती है उसकी एक पॉजिटिव साइड भी होती है और निगेटिव साइड भी होती है चलो अभी ये कंसेप्ट में आपको जो बताने वाला हूँ ये बेसिकली

वो नोट्स मैंने पढ़े थे आई स्टिल रिमेंबर दैट पॉइंट जब हमारे जिंदगी में कुछ बुरा घटित होता है तो वहां पे उसके एडवांटेजेस को जो भी अच्छी साइड है उसको आप काउंट करने की कोशिश कीजिए आई नो आपके साथ कुछ बुरा हुआ है कुछ बैड मेमोरीज हैं लेकिन बैड मेमोरीज का कुछ ना कुछ तो एक अच्छा भी वहां पे एक मैसेज आपको मिलता होगा अगर आप मैसेज के ऊपर फोकस करेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ वो चीजों को एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली यू कैन नॉट फॉरगेट एनीथिंग थिंग सबसे बड़ा मिथ है कि आप कोई चीज भूल सकते हो वी हैव सुपर कॉम्प्यूटर यार वो भूल नहीं सकता एकदम अगर आपको भूलना है कोई चीज को भूलना है तो आपको क्या करना है पता है ये मैंने हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप में एक्सप्लेन किया है फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यू हैव टू एक्सेप्ट इट लेकिन अगर आप सोचते हो नहीं मुझे भूलना है नहीं मुझे भूलना है नहीं मुझे भूलना है सो वॉट यू आर डूइंग एक्चुअली यू आर एक्चुअली रिमेंबरिंग दैट यू आर एक्चुअली रिमेंबरिंग दैट अगर मुझे सांप से डर लगता है और मैंने कभी सांप को देखा है बहुत नजदीक से और वो बहुत खौफनाक इंसिडेंट था मेरे जिंदगी का और मैं सोच रहा हूं कि मुझे भूलना है और मैं बार बार सोच रहा हूं कि मुझे वो सांप वाला इंसिडेंट को भूल जाना है साफ वाला इंसिडेंट भूल मुझे सांप वाला इंसिडेंट भूल जाना है द हेल आई एम डूइंग आई एम रिमेंबरिंग दैट इंसिडेंट अगेन एंड अगेन एंड आई एम स्ट्रेंदनिंग दैट वो इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि मेरे सबकॉन्शियस में वो जाके बैठेगा अगर वो मेरे सबकॉन्शियस में जाके बैठा देन इट विल कन्वर्ट इन टू फोबिया और वो फोबिया के आगे वो जाएगा पैनिक मोड में फिर वो पैनिक अटैक्स वो फिर रुकने का नाम नहीं लेगा सो आई वुड से अगर कुछ बुरी चीज जिंदगी में घटित हुई है एक्सेप्ट इट आपसे गलती हुई है सामने वाले से गलती हुई है एक्सेप्ट हुआ बट आई लर्न दिस लेसन वहां से मुझे ये सीखने मिला ऑटोमेटिकली so वो पार्ट आपके रिसाइकिल जाएगा मेरी भी जिंदगी में मैंने ऐसी खौफना गलतियां है कि आप पूछो मत बट बाय ग्रेस इट्स अ प्योर गॉड्स ग्रेस आई गॉट टू नो अबाउट दिस नॉलेज आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट एंड वो अभी रिसाइकल बिन में है दे नो लॉन्गर ट्रबल मी सो दिस इज वॉट यू फॉलो जस्ट एक्सेप्ट इट डू नॉट ट्राई टू

You will experience magic in your life. Is there, there is one more question. Let me read. No, you you just I would say, I would say uh, this question is related. Whatever you said, uh, whatever you asked earlier. So just accept it and move on. accept it and move on and make your goals bigger than anything एकदम सिंपल सी चीज है यार मतलब मैंने मेरे फर्स्ट सेशन में लाइफ मास्टर के कहा है आपको इफ यू वांट टू लीड हैप्पी लाइफ यू नीड टू कनेक्ट टू योर गोल्स नॉट टू पीपल एंड इवेंट्स लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग जो so, लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे मुझे भी बोलते हैं सभी लोगों को बोलते हैं जस्ट जस्ट फॉरगिव देम ट्राई टू डिराइव सम मोटिवेशन आउट ऑफ इट एंड मूव अहेड फोकस अपॉन योर बिगर गोल्स और मैं तो ये कहूंगा जिंदगी में इतने बड़े गोल रखो इतने बड़े गोल रखो ना कि आपको समय नहीं मिलना चाहिए ये चीजों को एंटरटेन करने के लिए ये चीजें कब आपको बॉडर करेंगी जब आपके गोल छोटे हो इतने बड़े गोल सोचो कि लोगों ने आपको कहना चाहिए तू तो एक नंबर का पागल है तू एक नंबर का साइको है खुद को तू क्या समझता है पागल है ऐसे जब आपको लोग बोलना शुरू करेंगे समझ जाओ आप राइट ट्रैक पे हो जब आपके पीठ पीछे लोग आपके ऊपर हंसेंगे तो समझ जाओ आप राइट ट्रैक पे हो सो सेट वेरी बिग गोल्स नाउ आई एम ड्रीमिंग एंड प्लानिंग टू शेयर स्टेज विथ टॉनी रॉबिन्स यू कॉल मी मैड कॉल मी मैड राइट नाउ आई लव इट आई एम प्लानिंग एंड थिंकिंग लाइक दैट

इट्स क्वाइट बिगर क्वेश्चन लिट मी रीड दैट ओके सो देर इज वन क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्टूडेंट है पार्टिसिपेंट है तो उन्होंने बेसिकली कैट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया है एनबीए एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए एट द सेम टाइम उन्होंने बेसिकली एक क्लब क्लब ज्वाइन किया था तो वो club को छोड़ना चाहते सो दैट so वो फोकस कर सकते हैं एग्जाम के ऊपर एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर लेकिन अभी चैलेंज ऐसा हो गया है कि वो क्लब के जो मेंबर्स है वो बोलते हैं कि आप आपको तीन महीने के लिए काम करना होगा उसी के बाद आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाएगा और उनके वहां पे फ्रेंड्स भी है बहुत सारे माय डियर फ्रेंड जिंदगी में टफ लेने पड़ते हैं यू कैन नॉट प्लीज ऑल रिमेंबर रिमेंबर वन दिस स्टेटमेंट इफ यू लेनेट टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड टू हर्ट समय डाउन द लाइन हर्ट मतलब वो हर्ट हो जाते हैं यार यू आर नॉट हर्टिंगली आप इंटेंशनल को हर्ट नहीं कर रहे बट यू कैनॉट प्लीज एवरी वन एट द सेम टाइम आपको बताएं ऐसे कहते हैं कि सक्सेसफुल बनने के बहुत सारे फॉर्मूलेज है या फिर नहीं है डोंट नो लेकिन जिंदगी में फेलियर बनने का एकदम आसान फॉर्मूला है पता है क्या इस सबको खुश करने की कोशिश करो आप सबको खुश नहीं कर सकते किसी को तो आपको दर्द देना है कि किसी को तो आपको दर्द देना है अभी मैं आपको बताना चाहूंगा ये सेशन अभी हमारा जो शुरू हुआ उसके पहले आ, मेरे वाइफ ने मुझे कहा कि समीर प्लीज यार तू सबसे पहले खाना खा ले तू सेशन बहुत लंबा खींचता है फिर तू रात को खा रात का तेरा खाना दस साढ़े दस ग्यारह बजे होता है ऐसा नहीं अच्छा है प्लीज यार तू खाना खा ले एट थर्टी को मेरे को बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी अभी शाम को कॉल आया था तो मैंने खाना नहीं खाया है आई एम टेलिंग यू आई एम हंग्री राइट नाउ लेकिन मैं हंग्री क्यों हूं पता है बिकॉज जब मेरा पेट खाली रहता है तो पूरा ब्लड सप्लाई मेरे ब्रेन के पास जाएगा और मैं आपको अच्छी वैल्यू एडिशन कर सकता सो आई नीड टू सैक्रीफाइस आई कैनोट प्लीज एवरी वन आई नो इज़ गोइंग टू गेट एंग्री जब वो सुनेगी आई वेदर शी इज ऑनलाइन राइट नाउर शीज लिस्ट गोइंग टू गेट एग्री अभी आई डोट नो क्या बोलेगी मुझे बट आई कैनोट प्लीज एवरी वन टू टू क्रिएट यूर ग्रांड सक्सेस आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस

ऐसा कुछ क्लॉज था या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस आपने बना के रखे थे आपने साइन किया था वहां पे तो शायद फिर आपको वो कमिटमेंट कंप्लीट करना भी उतना ही जरूरी है लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो सिर्फ दोस्त ईगो पे लेके आपको ट्रैप करना चाहते हैं देन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप खतरे में हो जाएगी एंड ऑल सो डू नॉट कॉल सच काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज अ फ्रेंडशिप ठीक है फ्रेंडशिप होती है अगर कोई बंदा जिंदगी का बड़ा कोई सपना देखता है कोई

वो चार पांच दोस्तों के लिए आपके गोल्स को सैक्रीफाइस मत करो यू नीड टू कंसिडर वेदर डूइंग दैट क्लब एक्टिविटीज दैट इंपोर्टेंट मतलब छोड़ दिया तो क्या कोई मर, मरने वाला है some, it, it नहीं करेंगे, छोड़ देंगे बीच में तो कुछ नहीं होने वाला देन लिव इट मैन फोकस अपॉन योर टारगेट लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Okay. A आपको एक चीज कहना चाहूंगा आप मुझे बताइए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर हाईली uh, सक्सेसफुल लोग होते हैं क्या कभी उनको फ्रेंडशिप के लिए किसी को चेज करना पड़ता है फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉरगेट अबाउट फेसबुक फेसबुक इज ओल्ड राइट नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंस्टा सो इंस्टा के ऊपर क्या उनको लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने पड़ते हैं कि मुझे आपसे कनेक्ट होना है या फिर दुनिया उनके साथ कनेक्ट होना चाहती है थिंक अबाउट इट जब आप ग्रैंड सक्सेस पे जाते हो तो दुनिया आपसे कनेक्ट होना चाहती है आपको दुनिया के पीछे जाने की जरूरत नहीं है सो आई वुड से फोकस अपॉन योर ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन अगेन इट इज बॉइलिंग डाउन टू द सेम पॉइंट सिक्स नीड्स सिक्स ह्यूमन नीड्स में से एक नीड है हमारी लव एंड कनेक्शन लव एंड कनेक्शन के पीछे भागते भागते हमारे गोल की धज्जिया उड़ जाती है और बाद में वो लोग भी चले जाते हैं और हमारी धज्जिया उड़ा देते हैं सो डू नॉट कनेक्ट टू मच विद पीपल फोकस अपॉन योर गोल्स कंट्रीब्यूशन बाकी चीजें सब ऑटोमेटिकली हो जाएगी सी आम नॉट आस्किंग यू टू बिकम एरो

god bless you with your own life this is how you need to manage with people yes uh, there is one question chanakya niti videos yeah chanakya niti videos are available lekin main aapko kehta hu uh, youtube ke upar jo chanakya niti ke bahut sare videos banaye hain wo uh, मतलब वो टाइटल वगैरह ऐसे देते हैं कि लोगों ने देखना चाहिए उसके अंदर बहुत सारा आ, मतलब ऐसा मटेरियल रहता है जिससे आप मिसगाइड हो सकते हैं So, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा समीर नारद ऐप के ऊपर जाइए वहां पे चाणक्य नीति वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लाइन में है या फिर आप यूट्यूब के ऊपर जाके भी देख सकते हैं YouTube के ऊपर जाइए और समीर नारद टाइप करेंगे तो चाणक्य नीति के वीडियो थोड़ा तो सा सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोस वहां पे दिख जाएंगे लेकिन वहां पे आपको हजारों लाखों वीडियोस दिखेंगे चाणक्य नीति के जो शायद आपको मिसगाइड कर सकते हैं आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दो वीडियोज आर बिकॉज बहुत सारे वीडियोज में जानबूझ के ऐसे टाइटल दिए हुए है कि आप वो देखें लेकिन उसके अंदर पूरा आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं सो आई वुड से मैंने बहुत न्यूट्रल वे में आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चाणक्य नीति इन ग्रेट वे एंड इट हेल्प मी लाइक एनीथिंग ट्रस्ट मी माइंड डियर फ्रेंड्स इट हेल्प मी लाइक एनीथिंग आई एम सो हैप्पी आई एम सो ग्रेटफुल टू चाणक्य आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज जो उसने उन्होंने नॉलेज शेयर किया है माई गॉड अमेजिंग नॉलेज गो हेड लर्न दैट बिकॉज इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस प्रैक्टिकल लाइफ

अगर कोई मुझे कहता है कि आ, मतलब अभी समझो सेवन ओ को किसी ने मुझे फोन किया होता और बोला होता कि यार समीर नौ बजे बहुत बड़ी पार्टी है तू आ मतलब ये होने वाला है वो होने वाला है तो मेरे लिए ना कहना बहुत आसान है बिकॉज मैं सेशन इज ऑलरेडी सेट मैंने आपको टाइम ऑलरेडी कमिट किया है सो so मैं वहां पे उसको ना बोलना मुझे बहुत आसान है सो so ये कभी पॉसिबल होता है मेन यू हैव सेट प्रायोरिटीज आपके गोल्स क्लियर है देन यू कैन स्टिक टू दैट और आपके गोल्स बहुत बड़े हैं इट्स लाइक डू डूर डाई सिचुएशन के गोल्स होते हैं ना आप मुझे बताइए जब डू डूर डाई सिचुएशन आपके जिंदगी में आते हैं कोई भी मतलब ट्रैवलिंग के टाइम बोलो कोई भी जिंदगी में आती है डू ऑर डाई सिचुएशन मतलब आपको करना करना एक सर्टन काम करना बहुत जरूरी है तो वो मोमेंट पे क्या आप किसी को एंटरटेन करते हो यू स्ट्रेट अवे से नो बिग बिग नो एंड यू मूव अलॉन्ग योर पाथ ऑफ योर टारगेट वाई बिकॉज दैट गोल इज दैट मच बिग और डू ऑर डाई सिचुएशन है और मुझे लगता है हमारे जिंदगी में हर एक पल इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ डू और डाय ये जिंदगी फिर से कभी नहीं मिलने वाली दोस्तों सो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमारे पास जो है और ऑलरेडी हमारे पास जो स्पैन है जिंदगी का यू डू नॉट हैव सेवन हंड्रेड एट एट हंड्रेड ईयर्स वी आर वेरी लिमिटेड स्पैन और लिमिटेड स्पैन में अनलिमिटेड चीजों को अचीव करना है वी नीड टू से लर्न टू से नो एंड वी नीड टू मो है

ज अ क्वेश्चन हाउ टू बी अ गुड स्पीकर इंस्टेड ऑफ अ गुड लिसनर आपको पता है अगर आपको एक ग्रेट स्पीकर बनना है तो आपको सबसे पहले ग्रेट लिसनर बनना होगा यू नीड टू लिसन फर्स्ट जितना आप सुनेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा कभी सोचा है भगवान ने हमें एक ही मुंह क्यों दिया है और दो कान क्यों दिए हैं दो कान क्यों दिए है बिकॉज भगवान की भी इच्छा है कि हम ज्यादा सुने जितना हम लोग ज़्यादा ज़्यादा सुनेंगे, नॉलेज करेंगे, और उतना अच्छी तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे राइट right? सो so, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा से ज्यादा योर इन्फॉर्मेशन विद समन एंड इफ यू प्रूफ है आपको पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं इट इज डैम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आपके सामने डोनाल्ड ट्रम्प आ गया नरेंद्र मोदी आ गया विराट कोहली आ गया कोई भी आ गया तो भी आपको कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए बिकॉज जब भी हम लोग हमारा मुंह खोलते हैं कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एज अ गुड स्पीकर एज एज अ ग्रेट स्पीकर यू नीड टू हैव अनबिलीवेबल फेथ इन योर नॉलेज आपके पास वो फेथ होना चाहिए जब भी आप आपका मुंह खोलते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तब आपको ऐसे बात करनी है कि दुनिया के आप ग्रेटेस्ट स्पीकर हो यू हैव टू बिलीव दैट यू आर द ग्रेटेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड ऑलवेज रिमेंबर दैट देन ओनली यू कैन शेयर योर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली अगर आप ही को डाउट है तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा अगर आपको ग्रेट स्पीकर बनना है देखिए ग्रेट स्पीकर का मतलब पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा पब्लिक स्पीकिंग इज अ पार्ट ऑफ इट बीट नॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप नॉर्मल वे में कम्युनिकेट भी करते हैं

आपको ही आपके बातों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति क्यों आप के ऊपर फेथ रखेगा सो वेरी सिंपल एंड apart from that if you observe whenever you say something with lot of conviction with lot of conviction तो ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर देता है लेकिन आपका कन्विक्शन शेकी है तो सामने वाला व्यक्ति शेकी फेथ आपके ऊपर रखेगा सो डू बिकम अ ग्रेट स्पीकर लर्न टू बिलीव दैट ग्रेट स्पीकर फिर बाकी की चीजें ऑटोमेटिक आसान हो जाती है लेकिन झूठ मूठ की इंफॉर्मेशन नहीं देनी अगर नहीं पता है तो नहीं बोलना है इसलिए तो मैं कहना lot, आपने देखा होगा जब भी मैं बातें करता हूँ आई सेक्शन बिकॉज आई नो दैट इट इजेड एंड प्रूवन में हमें बात नहीं करता और मुझे नहीं पता है तो मैं मुंह पे बोल देता हूं आई डोंट नो आई नीड टू स्टडी दैट बट इफ यू नो इट देन इट लॉट ऑफ कन्विक्शन नॉट विथ एरोगेंस विथ कॉन्फिडेंस आई होप यू द आंसर सो लेट मी रीड क्यू क्वेश्चन

और आपको सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐप के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है या फिर इन जनरल मेरे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग किसी के भी रिगार्डिंग मुझे फीडबैक दीजिए अच्छा भी दीजिए बुरा भी दीजिए बी वेरी ब्लंट तो ही मैं इंप्रूव करूंगा ना जिंदगी में अगर आप सोचेंगे नहीं यार मैं कैसे बताऊंगा उनको बुरा लगेगा आई नेवर फील बैड अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन अगर सही है आई विल एक्सेप्ट दैट एंड आई विल इम्प्रूव अगर मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन में कोई दम नहीं है देन आई विल रिजेक्ट इट I will reject, मतलब मैं आपको रिजेक्ट आपको नहीं करूंगा आपको मुझे लोग ऐसे भी फीडबैक देते हैं कि समीर वाई डोंजेटिक मतलब आप सॉफ्ट वे में बात क्यों नहीं करते जैसे कि वो जैक कैनफिल बॉब प्रोक्टर वगैरह करते हैं ना उनकी तरह जैसे कि uh, आपको जरा धीरे से आसानी के साथ रिलैक्स वे में बात करनी चाहिए

बताते हैं अगर आपको और मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज गिव मी वीडियो टेस्टीमोनियल्स अगर आपको लगता है कि यार मैं आपके जिंदगी में कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं आपको जिंदगी में कुछ तो फायदा हो रहा है प्लीज गिव मी योर वीडियो टेस्टिमोनियल बिकॉज योर वीडियो टेस्टिमोनियल विल इंस्पायर समवन वो इंस्पिरेशन आपको ब्लेसिंग्स देंगे यार एंड लॉट्स ऑफ पीपल विल कनेक्ट विथ मी डोंट यू वॉन्ट टू हेल्प मी माई मिशन इज टू क्रिएट वन करोड़ सक्सेस स्टोरीज यार How can I reach to lots of people? It is with the help of your feedback I can reach lots of people. So please help me and share your feedbacks. और आपको लगेगा नहीं समीर सर ये वीडियो बनाना बहुत मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है ये लगता है वो लगता है मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा वीडियो बना के आप खुद का फायदा होने वाला है देखिए जो चीज अनकंफर्टेबल होती है मुश्किल होती है कम्फर्ट जोन के बाहर की होती है जब आप वो चीज करते हो ना तभी आपका कॉन्फिडेंस टेन टाइम्स बढ़ता है जो चीज आसान है इजी है वो करते रहोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे आपको हर बार ऐसी चीजों को करना जरूरी है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है और वीडियो बनाना अगर आपके कंफर्ट जोन के बाहर है देन वीडियो बनाइए देन ओनली यू कैन ग्रो योर कॉन्फिडेंस टेन टाइम्स और जिंदगी में लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं इसलिए कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाते अगर आपको सक्सेसफुल बनना है नीड टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और आपने देखो आई लीड बाय एग्जांपल मैं सिर्फ uh, बोल बच्चे नहीं देता आई आई लीड बाय एग्जांपल यू मस्ट हैव हैव सीन इन लास्ट फ्यू मंथ्स डन लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स कल ही मैंने कुछ नई चीज चीज ट्राई की है मेरे फोटो के साथ मेरा कोट शेयर करना नाउ आई एम गोइंग टू शेयर मैक्सिमम कोट्स विथ माई नेम ओनली

उट ऑफ यंफर्ट जोन और बहुत सारी चीजें आप देने वाले हो फ्रॉम माई साइड एंड आई एम गोइंग टू गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जाइए अदरवाइज आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बनेंगे मैंने उनके कोर्स की फी है आई डोंट नो अभी फीस क्या है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई डों कोर्स बंद है लेकिन मैंने जब कोर्स किया था टू थाउजेंड फिफ्टीन में तो मुझे लगता है आई गेस या आई पेड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज वे बैक इन टू थाउजेंड फिफ्टीन लेकिन आपसे वो ऐसी ऐसी चीजें करवाते हैं ना ऐसे आपको लगेगा कि उनका ऐसा पकड़ के गला दबा के उनको मार दे उनको गालियां दी ऐसे ऐसे काम आपसे करवाएंगे इतना डिसिप्लिन और इतना फोर्स करेंगे आपको आप मुंह पे गाली दोगे मुंह पे आपकी इतनी इज्जत निकालेंगे अगर आप कोई टास्क नहीं करते हैं ये क्यों करते हैं पता है बिकॉज उनको पता है बिकॉज कंफर्ट जोन के बाहर नहीं लेके जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे ये लोग और मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की है <laughs> कि आप सोच भी नहीं सकते मैं सांप से बहुत डरता था पहले आई टू फियर स्नेक तो उन्होंने क्या कहा कि सांप हाथ में लेके दिखा अगर तू खुद को इतना बड़ा ट्रेनर बनाना चाहता है सांप हाथ में लेके दिखा यू नो वॉट आई डिड एक सर्प मित्र है थाने में उसके पास गया मैंने बोला मुझे सांप हाथ में पकड़ना है आई डोंट नो तो उसने बैग से एक सांप निकाला छोटा सांप था अः मतलब इतना इतना था मुझे लगता है हाफ मीटर का वगैरह शायद रहेगा या हाफ मीटर का वगैरह था तो वो मेरे हाथ में उसने दिया और मैंने मेरे हाथ में जिंदगी में पकड़ा फर्स्ट टाइम आई डोंट नो वो काट देता तुम्हें क्या होता वगैरह मुझे पता नहीं था लेकिन आई डिड सो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको करना जरूरी है अगर आप कम्फर्ट जोन में कुकून में रहोगे जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा गो आउट ऑफ योर यम्फर्ट जोन और टॉनी सरबार कहता है टेक मैसिव इम्परफेक्ट एक्शन मैसिव इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट मतलब क्या परफेक्ट नहीं है बट स्टिल डू इट देन ओनली यू कैन ग्रो योर सेल्फ अदरवाइज नॉट ओके सो देर इज वन क्वेश्चन ओके सो सम पीपल से आर्ट ऑफ वॉर इज बेटर देन चाणक्य नीति सी हर एक व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन होता है एज पर नी चाणक्य नीति इज ऑसम

So, यहाँ पे एक सवाल आया है कि व्हाट इज योर कंक्लूजन 2020 ये जो ईयर है ये पूरी दुनिया कहती है बहुत नेगेटिव है डिप्रेशन वाला है आपका क्या ख्याल है बाय द वे आई एंजॉय ट्वेंटी मतलब मुझे एक भी दिन घर पे कुछ बोर नहीं फील हुआ मुझे बाहर जाने नहीं मिल रहा है ये वो कुछ नहीं फील हुआ बिकॉज आई एम अलाइन टू माई गोल मेरे पास इतना काम है यार मेरे को मतलब मैं क्या बताऊ मुझे रात को मैं सोता हूँ ना मुझे शर्म आती है मैं भगवान से प्रे करता हूँ यार ये ये नींद का आइटम ही कैंसिल कर दे यार Literally, literally मुझे अभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि क्या ऐसी कोई सिस्टम है कोई गोली वगैरह है जिससे मैं टॉयलेट को अवॉइड कर सकता हूं मतलब अंदर के अंदर सब वाइप आउट हो जाएगा तो मेरा कितना टाइम बचेगा हर दिन या आई एम थिंकिंग वेरी क्रेजी बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम इन माइर लाइफ हर एक व्यक्ति के पास बहुत लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड चीजें करनी है तो आपको आ, समय ही नहीं मिलता इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जिंदगी में गोल रखिए तो आपको कोई भी समय नेगेटिव समय नहीं लगेगा ना अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट लेटमी शेयर यू दिस एग्जांपल एग्जाम्पल मैंने बहुत बार एग्जांपल शेयर किया है देखो सिचुएशन जितनी वर्स्ट होती है जितनी डेंजरस होती है उतना ही बड़ा बाउंस बैक का मौका होता है अगर आप बाउंस बैक का मौका देखते हो देन यू कैन बाउंस बैक सी चैलेंजेस इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटीज जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जितना छोटा चैलेंज उतनी छोटी अपॉर्चुनिटी ट्वेंटी ट्वेंटी ने ऐसे पत्ते फेंके हैं ऐसे चैलेंजेस फेंके हैं कि पूछो मत तो अभी चैलेंजेस को अगर आप अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखोगे जो लोगों ने देखो अभी ये लॉकडाउन में जो लोगों ने खुद के फिजिक के ऊपर मेंटल मसल के ऊपर मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होने के ऊपर काम किया है ना वो 2021 में फाड़ने वाले हैं आई एम टेलिंग यू 2021 जब खुलेगा ना वो फाड़ने वाले हैं क्यों बिकॉज वो मेंटली और फिजिकली पूरे अभी रेडी हो चुके हैं ट्वेंटी में शायद उनके ऊपर लोन आ गया होगा उनको पैसा नहीं मिला होगा कहां कहां से उन्होंने लोन लेके उनका घर चलाया होगा लेकिन मेंटली और फिजिकली अभी इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे उतने स्किल्स के ऊपर उन्होंने काम किया होगा कि अभी 2021 में उनका जो वर्जन रहेगा ना वर्जन वो आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा उनका वर्जन रहेगा लेकिन जो 2021 को देख के लोन है रोते रहते हैं ये करते हैं तो उनका ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्या ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्या है, वैसे ही जाने वाला है वो डिप्रेशन से बाहर निकलते निकलते उनको बहुत टाइम लगने वाला है सो आई वुड से ऑल हार्डशिप्स ऑब्स्टेकल्स आर द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज डायमंड कैसे बनता है ये मैंने आपको बहुत बार कहा है डायमंड कोल से बनता है कोल के ऊपर जितना प्रेशर होगा और वो कोल अगर सस्टेन करेगा तो ही तो डायमंड बनेगा यार नहीं तो कोल्ड की औकात क्या है पचास रुपया सौ रुपया डायमंड बनना है क्या एम आस्किंग ऑल ऑफ यू जिंदगी में डायमंड बनना है तो प्रेशर को एब्जॉर्ब करना सीखो तो ही तो डायमंड बनोगे प्रेशर से भागोगे नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो क्या खाक डायमंड बनोगे लर्न टू एब्जॉर्ब दैट प्रेशर क्रिकेट मैचेस देखते हो ना क्रिकेट मैचेस में जो बहुत टफ सिचुएशन आती है तब जो बंदा परफॉर्म करता है उसे तो लोग सैल्यूट करते हैं उसी को तो एडवर्टीजमेंट मिलते हैं उसी को तो करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं आज विराट कोहली को इतने करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे इतना पैसा है उसके पास सचिन के पास विराट के पास धोनी के पास क्यों है यार? सिचुएशन में खुद की औकात दिखाई है ना यार सिचुएशन में बाउंस बैक करके दिखाया है ना यार ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है और आप बोलोगे कि नहीं यार कैसे करूं ये करूं वो करूं अरे बाउंस बैक करके दिखाओ तो ही तो लोग सलाम ठोकेंगे यार

आपसे दुनिया सब कुछ चुरा सकती है लेकिन आपका नॉलेज कोई नहीं चुरा सकता ऑलवेज रिमेंबर दैट आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो या फिर म्यूचुअल फंड्स में करो या फिर आप रियल एस्टेट में करो कुछ भी हो सकता है एनीथिंग कैन हैपन बट मोमेंट यू इन्वेस्ट इन्वेस्ट ऑन योर योर नॉलेज गेम ओवर सो लर्न टू इन ट्रेड और मैं जो वहां रिक्वेस्ट करूंगा आपके माइंडसेट के ऊपर भी काम कीजिए बिकॉज मोर देन स्किल इट्स माइंडसेट और जो माइंड की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं

टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं वहां से मेरा इंटेलेक्ट और कुछ काम करता है तो सबकॉन्शियस मुझे बताता है कि ये जवाब दे वो जवाब दे आई ट्राई बेस्ट इट्स अ प्योर गॉड्स ग्रेस आई टू सी यू सक्सेसफुल रियली वॉन्ट यूर सक्सेस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जिंदगी में अगर मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ आपको लगता है कि समीर या यू आर रियली हेल्पिंग मी आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अ वीडियो सो दैट आई कैन शेयर विद द वर्ल्ड कि मैं क्या कर रहा हूँ बिकॉज अभी चैलेंज ये है मेरे फील्ड में आई एम टेलिंग यू ओपनली ट्रेनिंग फील्ड में आज इतने सारे ट्रेनर्स आ चुके हैं और मैक्सिमम ट्रेनर्स उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन उनको पता है कि बहुत सारे लोग अभी डिप्रेशन में है नेगेटिव है तो अभी पैसा कमाने का टाइम है इसलिए उन्होंने वो ट्रेनिंग का उनका धंधा शुरू किया है सो नथिंग रॉन्ग बिकॉज उनका वो उद्देश्य है तो मैं किसी को कंडेम नहीं करना चाहता इट इज देयर कर्मा गॉड ब्लेस देम लेकिन उससे क्या हो रहा है जो ऑथेंटिक ट्रेनर है जिनके पास अच्छा नॉलेज है मेरे जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनर है उन, उनके प्रति, लोग सोचते रहे, क्या ये अच्छा ट्रेनर है इसको क्या आता होगा एंड ऑल सो ऐसे हो रहा है बहुत सारे ट्रेनर्स क्या करते हैं उनके पास शायद पैसा होता है तो बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग करते हैं झूठे अवार्ड्स फेक अवार्ड्स खरीदते हैं और लोगों को दिखाते हैं और पूरी दुनिया उसमें फस जाती है और ट्रेनिंग का जो फील्ड है वो बदनाम होता है तो आपको लगता है कि यार नहीं समीर यू यू मस्ट रीच लॉट्स ऑफ पीपल वहां से बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी और हमारा इंडिया सुपर पावर बनेगा। अगर आपको ऐसा सच में लगता है योर वीडियो यू अगर आपको वीडियो शेयर करना है तो मुझे व्हाट्सएप uh, के सिर्फ एक मैसेज कीजिए आई वॉन्ट टू गिव यू टेस्ट मोरियल आई फॉर्मेट में आप वीडियो बनाइए एक से दो मिनट का

आपके भी पास बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे जाने अनजाने में आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिकॉज आई एम ट्राइंग बेस्ट ट्राइंगली एंगर जो होता है uh, जब आपको किसी चीज के ऊपर गुस्सा आता है लर्न टू कन्वर्ट दैट इंटू योर पावर अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बुरा भला कह देता है ठीक है तो गुस्सा आएगा

लेकिन समझो आपको गुस्सा किसी व्यक्ति के वजह से आ रहा है मतलब आपके कुछ एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो रहे वो व्यक्ति से उसकी वजह से आ रहा है देन टॉक टू दैट दैट पर्सन पर्सन टेल कि आपके क्या है वो क्लियर कर दीजिए ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति उस तरह से बिहेव करेगा इंप्रूव करने की कोशिश करेगा बिकॉज एंग्री होने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा बिकॉज एंगर इज अ पॉइजन वी ड्रिंक फॉर अदर्स मिस्टेक दूसरों की गलतियों के लिए पिया गया जहर होता है गुस्सा तो मेरे दोस्त दूसरों की गलती के लिए खुद जहर क्यों पीना है क्यों पीना है Don't you love yourself? Love yourself यार आंसर टेन डेज टेन ट्वेंटी थर्टी को मैं प्लान करता हूं हर बार हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन हो एंड वेरी सुन आई विल अपलोड इट ऑन ऑल्सो सो यू कैन अगेन यू कैन शेयर शेयर योर फ्रेंड्स सभी के साथ आप कर सकते हैं तो ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए किसी के जिंदगी में बाहर आ जाए शायद कोई व्यक्ति कुछ गलत कदम उठाने वाला है कुछ क्राइम करने वाला है कुछ सुसाइड करने वाला है शायद ये वीडियो देख के उसके जिंदगी में बाहर आ जाएगी वो मुझे दुआ देगा वो आपको दुआ देगा और ये दुआ रंग लाएगी दोस्तों एक चीज के ऊपर हर बार फोकस करो कि मुझे सबसे ज्यादा दुआ कैसे मिलेगी हाउ कैन आई गेट मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स ये ब्लेसिंग ये ऐसी चीज है ना मतलब आपके जिंदगी में मिरेकल्स हो सकते हैं जब लोगों के ब्लेसिंग्स आपके पास होते हैं सो बेसिकली एक टीम बन जाती है आपकी आपकी एक टीम बन जाती है फिर आप अकेले नहीं रहते उनके ब्लेसिंग हर बार आपके साथ रहते हैं हर कदम आपके साथ रहते हैं और आपकी जिंदगी के जब Uh, मुश्किल दौर आता है वो वही ब्लेसिंग्स आपको बचाते हैं यार आपके पास कितना पैसा है आपकी कितनी पहुंच है नहीं बचाता आपको आप, वो ब्लेसिंग्स आपको बचाते हैं सो ऑलवेज फोकस अपॉन कलेक्टिंग मोर एंड मोर ब्ले दिस इज ऑल्सो ऑलवेज आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट यू सो मच एवरी गॉड ब्लेस यू एंजॉय एंड टेक केयर